जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। मैं रोज आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होता है। तो सभी लोगों को कमेंट में बताना है और मैं सभी के कमेंट जो है नेक्स्ट वीडियो में शामिल करता हूँ। तो जरूर आपको कमेंट में लिखना है, प्रश्न का उत्तर बताना है। और दोस्तों, आपको बता दूँ कि सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में शाम को 6:30 बजे करेंट अफेयर्स और जीके से संबंधित लाइव क्लास होती है। 9 बजे हिंदी साहित्य की लाइव क्लास होती है, ठीक है। और कुछ दिन में MP TET वर्ग 3 की जो है परीक्षा आने वाली है, भर्ती होने वाली है, तो उसकी क्लास भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाना है। साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिकों को किस देश के सुमात्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ जो फूल है वो मिला है। आपको बताना है सुमात्रा के जंगल कहाँ हैं जहाँ पर सबसे बड़ा खिला फूल मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ फूल मिला है, तो आपको याद रख लेना। और कहाँ पर मिला है? सुमात्रा के जंगलों में मिला है, ये चीज़ याद रखनी है। हाल ही में वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ फूल मिला है। इस फूल का नाम है रैफलेसिया, याद रख लेना है। यह फूल 4 वर्ग फिट में फैला है, याद रखो 4 वर्ग फिट में ये फूल फैला हुआ है इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगलों में। और इससे पहले 2017 में 3 फिट चौड़ा 12 किलो के फूल को देखा गया था, तो याद रख लेना है। और बात आती है इंडोनेशिया की, तो राजधानी है इसकी जकार्ता, सभी को पता है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। तो इतनी जानकारी आपको इंडोनेशिया के बारे में मिलती है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि जो सुमात्रा है वो कहाँ पर है, तो सुमात्रा है इंडोनेशिया में। आपने सुमात्रा द्वीप नाम सुना होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की जब भी बात आती है तो यहाँ की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उद्धव ठाकरे बने हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं अजित पवार, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और महाराष्ट्र में जो है हाल ही में नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, ये चीज़ भी याद रखनी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ ने पहले ही छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2005 को राज्य विधानसभा द्वारा 2005 में पारित किया गया था। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, चीन में होने वाले आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए कितने देशों के कलाकारों ने बर्फ की 200 से ज़्यादा कलाकृतियां बनाई हैं? तो कितने देशों के कलाकारों ने बनाई हैं, वो बनाई हैं दोस्तों 14 देशों के, यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ये आइस एंड स्नो फेस्टिवल है, ये जो है चीन में होगा और इस फेस्टिवल के अंतर्गत 14 देशों के कलाकारों ने 200 से ज़्यादा कलाकृतियां बनाई हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और चीन की बात आती है दोस्तों, तो हमेशा बताता हूँ कि यहाँ की मुद्रा है रनमिनबी, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और यह जो फेस्टिवल है पहली बार 1985 में मनाया गया था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, WHO ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? तो किस वर्ष को किया है दोस्तों? 2020 जो वर्ष है इसे WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में जो है घोषित किया है, आपको याद रख लेनी है। अब WHO की बात आई है, WHO की, तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सभी को पता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में, सभी को याद रख लेना। हमेशा पूछा जाता है कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जिनेवा में है। और WHO ने हाल ही में जो है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ जो है घोषित किया है, तो वो किया है 2020 को, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया। WHO के जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अदनोम हाइबा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, सभी को याद रखना है।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। याद रखो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुसांगिक इकाई है और इस संस्था की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये सारी की सारी जानकारी याद रखनी है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। जी हाँ दोस्तों, हम सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को, सभी को पता है। और सरदार पटेल जी ने जो हमारे भारत की रियासतें थीं उनके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये भी आपको पता है। और भारत सरकार के प्रथम जो गृह मंत्री हैं वो सरदार पटेल जी थे, तो याद रखो। और इनकी सबसे ऊँची दूसरी जो प्रतिमा है वो कहाँ पर लगाई गई है, तो वो भी गुजरात में लगाई गई। और सबसे ऊंची जो प्रथम प्रतिमा इनकी 182 मीटर की लगाई गई थी, तो वो भी गुजरात में लगाई गई थी। ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 70,000 किलोग्राम व 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी हैं। तो इतनी जानकारी याद रखनी है कि हाल ही में सरदार पटेल साहब की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है गुजरात में, और ये कितनी ऊंची है, 50 फीट। ठीक है, सभी को याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है। तो जल्दी से आपका उत्तर क्या होगा, साइबर सेफ वुमन पहल की जो शुरुआत की है वो महाराष्ट्र ने की है। तो याद रखो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र के बारे में आपको बहुत सारा जीके यहाँ से याद होता है। अजित पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ज्योतिबा राव फुल्ले ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई महाराष्ट्र में। ठीक है, आतंकवादी विरोधी जो अधिनियम पारित किया गया वो महाराष्ट्र में किया गया। साइबर सेफ वुमन की जो पहल की गई वो भी महाराष्ट्र में की गई। तो महाराष्ट्र से संबंधित इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। महाराष्ट्र राज्य ने साइबर सेफ वुमन की जो है पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से याद करनी है। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, जरूर लाइक करें। और दोस्तों, आपको रोज डेली करंट अफेयर्स मिलता है, इसकी PDF जो मिलेगी आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यह दिवस दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ब्रेल दिवस। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे ईरान का नया जो है कमांडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इस्माइल कानी। तो जो ईरान के जो कमांडर हैं नए कमांडर, वो इस जो है इस्माइल कानी को बनाया गया, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनी इस्माइल कानी ईरान का जो है नया कमांडर नियुक्त किए गए हैं। इस्माइल कानी कासिम सुलेमानी का स्थान लेंगे। वर्तमान में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी हैं। तो ईरान के बारे में आपको इतनी जानकारी लग जाती है कि यहाँ के जो नए कमांडर बने हैं इस्माइल कानी बने हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो कासिम सुलेमानी का। ठीक है, और ईरान और अमेरिका के बीच आपको पता होगा कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, और जो है कासिम सुलेमानी जो हैं ये मिसाइल हमले में मारे गए हैं, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। और इस्माइल कानी को हाल ही में कमांडर बनाया गया है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का जो खिताब जीता है, सॉरी खिताब का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो जल्दी से आपको बताना है। चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में, और दिल्ली के बारे में आपको याद रख लेना है कि चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन किया गया। इस चैंपियन में जो है 1207 खिलाड़ियों के अलावा 34 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें 15 ट्रॉफी के अलावा जो है 214 पदक शामिल रहेंगे। वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, अरविंद केजरीवाल।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। तो इतनी जो जानकारी आपको दिल्ली के बारे में याद हो जाती है, और जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का जो आयोजन हो रहा है, जो वो कहाँ पर हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, विदेश मंत्रालय निम्न में से किस प्रभाग की स्थापना करेगा? आपको बताना है वो कौन सा प्रभाग है जिसकी स्थापना विदेश मंत्रालय कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेस्ट, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। नेस्ट की स्थापना करेगा विदेश मंत्रालय। अब विदेश मंत्रालय की बात आई है तो विदेश मंत्रालय के बारे में भी जानेंगे। विदेश मंत्रालय ने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट प्रभाग की स्थापना जो है करेगा विदेश मंत्रालय। वर्तमान में विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ये चीज भी याद रखनी है। विदेश मंत्रालय ने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक जो है टेक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना करने की घोषणा की है। यह प्रभाग देश में राज्यों के साथ साथ विदेशियों के साथ भी निवेश समन्वय बढ़ाने का काम करेगा। तो कौन सा प्रभाग? नेस्ट जो है देश के राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी निवेश समन्वय को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसकी स्थापना की है हाल ही में, जो है स्थापना करेगा तो कौन करेगा? विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्री जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, चीन में होने वाले आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए कितने देशों के कलाकारों ने बर्फ की 200 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई हैं? तो कितने देशों ने बनाई है? 14 देशों ने बनाई है, ठीक है। ये प्रश्न डबल हो गया है, आपको याद रख लेना है 14 देशों ने ये कलाकृतियां बनाई हैं, सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस में फेल होने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो किस क्रिकेट बोर्ड ने की है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जो है दोस्तों क्या किया है कि फिटनेस में जो भी खिलाड़ी फेल होते हैं खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पीसीबी के मुताबिक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में 6 और 7 जनवरी को 4 चरण में फिटनेस टेस्ट आयोजित किया जाएगा, और जो भी फेल होंगे उन पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से लग जाती है, और आपको एक क्वेश्चन बताना है, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताना है, आंध्र प्रदेश, केरल, असम या बिहार? जल्दी से जो भी कमेंट में लिखते हैं उनके मैं कमेंट रोज वीडियो में शामिल करता हूं, तो कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करें। और कल का जो प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न फर्स्ट, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जिसका उत्तर जो है गलत हो गया था, है ना। उसका उत्तर जो था वो तमिलनाडु था, सभी को पता है, ठीक है। और छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने का जो लॉन्च पैड बनाया जा रहा है वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। और दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज से जुड़ना है, IAS स्टडी ट्रैक आपको सर्च करना है फेसबुक पेज के लिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज शाम को 6:30 बजे करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से संबंधित लाइव क्लास होती है, और रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं उन सभी साथियों के कमेंट जिन्होंने पिछले वीडियो में किए हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, और आपको मैं बता दूँ कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने 1 जनवरी 2020 को घोषणा की कि तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्रश्न क्रमांक प्रथम था जिसका मैं केरल उत्तर बताया दिया था, उसका उत्तर है तमिलनाडु, ठीक है। तो सभी लोग सुधार लेना। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे ने 31 दिसंबर को ये बताया, जयसिंह एग्जाम जी ने, बहुत बढ़िया। सौम्या कुमारी जी, इन्होंने बताया है ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, सभी ने सही बताया है। रईस भाई भी लिख रहे हैं, और नरेश कुमार जी भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया नरेश जी, रईस भाई जी, आसाराम जी, प्रजापति, इन्होंने भी सही बताया, मोहम्मद सलीम जी, नीरज जी, जल्दी बताना है, नीर जुगम जी, और रूमा लोदी जी, और मोहम्मद सलीम खान जी, इन्होंने भी सही बताया है, नेक्स्ट पेपर जी, M.K. वर्मा जी, चंद्र मोहन जी ने भी सही बताया, रवि कांत जी, रंजीत चौहान जी, बहुत बढ़िया, और बताया है देवेंद्र जी ने, वेरी गुड, और नरेश कुमार जी भी बहुत बढ़िया, और रंजीत चौहान जी कमेंट में लिख रहे हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी, रवि कांत जी, और अमरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, फूल जहां, और विनीत स्टार जी, नरेंद्र जी अहरवाल,
सभी लोगों ने सही उत्तर बताने का प्रयास किया है और साथ ही जो प्रश्न हमारा गलत हुआ था उसका उत्तर भी मैंने सभी को बता दिया है कि जो है इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि जो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने का लॉन्च पैड बनाया जाएगा वो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।